नमस्ते दोस्तों, रहस्यमय ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। चंद्रिका यक्षिणी साधना। दोस्तों, भगवान बोले, अथाग्रे कथयिष्यामि यक्षिण्याधि प्रसादनम् यस्य सिद्धो नराणाम् हि सर्वे सन्ति मनोरथः। श्री शिवजी बोले, हे रावण, अब मैं तुमसे यक्षिणी साधना का कथन करता हूँ, जिसकी सिद्धि कर लेने से साधक के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। चंद्रिका यक्षिणी शीघ्र फल प्रदान करती है, उन्हें साधकों से कोई अपेक्षा नहीं है। जैसे षोड़श यक्षिणी साधनाएं हमारे तंत्र शास्त्र में है और बाकी 15 यक्षिणियाँ साधक के कार्य को अनुकूल करने के उपरांत कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रखती है, जिसे कुछ लोग भोग कहते हैं। परंतु यहाँ आज आपको चंद्रिका यक्षिणी साधना दी जा रही है, जिसे अत्यंत निर्मल मन से संपन्न करें। शुद्ध भाव, सहनशीलता और पूर्ण विश्वास से ही यक्षिणी साधना में सफलता संभव है। बहुत से मेरे प्यारे बंधुजनों का एक निवेदन था, इन समस्या पर साधना कैसे करें, जैसे मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं, मेरी शादी हो जाए, मेरी प्रेमिका मुझे वापस मिल जाए, मुझे धन प्राप्त हो, मैं किसी से निस्वार्थ प्रेम करता हूं, उनसे शादी हो जाए, मेरा कारोबार अच्छे से चल जाए, मेरी नौकरी में बाधा है या मुझे नौकरी मिले। समस्याओं की गिनती नहीं, परंतु समाधान एक ही है, चंद्रिका यक्षिणी साधना, जिसने कि वो खुश ही रहेगा। यक्षिणी देवलोक से होती है, इन्हें इतर योनि ना माने, ज्यादातर अघोरियों के पास यह सिद्धि होती है, जिससे उन्हें मनोवांछित कार्य करने में मदद मिलती है। यह साधना साधु सन्यासी पुरुष और स्त्री भी कर सकते हैं। साधना हेतु लाल वस्त्र और आसन जरूरी है। नई स्फटिक माला हो, जो शिवलिंग से स्पर्शित करके तैयार रखें। जब तक आपके मन में प्रसन्नता ना हो, तब तक साधना ना करें। विधान आसान है, जैसे उत्तर दिशा में मुख करके बैठना है। साधना 11 दिन का है, 21 माला जाप रोज करना है। रोज बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, जो शुद्ध घी में बना हुआ हो। स्टील के प्लेट में एक कुमकुम से स्वस्तिक बनाए, लाल गुलाब रोज चढ़ाना है। स्वस्तिक रोज प्लेट पर बनाए और साधना करने के बाद प्लेट को शुद्ध जल से धोकर जल दूसरे दिन सुबह पीपल के पेड़ के पास चढ़ा दे। साधना रात्रि में 10 बजे से किसी भी शुक्रवार से प्रारंभ करें। लड्डू का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। साधना से पूर्व हाथ में जल लेकर संकल्प बोलें, मैं अमुक पिता का पुत्र गुरु कृपा से चंद्रिका यक्षिणी साधना संपन्न करने जा रहा हूँ। मुझे इस साधना में पूर्ण सफलता प्राप्त हो और मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो।
जल को जमीन पर छोड़ दें और अपने गुरु से साधना सफलता हेतु प्रार्थना करें। सबसे पहले देवी का आवाहन करें। आवाहयामि देवी त्वं सर्वशक्ति प्रदायिनी सर्वमंगल रूपा त्वं सर्वकार्य शुभंकरी। आवाहयामि देवी चंद्रिकी स्थापयामि पूजयामि नमः। इस प्रकार देवी का आवाहन करें। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं चंद्रिकी आगच्छ इच्छितं साधय ओम फट। आप सभी की कामना पूर्ण हो, यही सदगुरु जी के चरणों में नम्र विनती करें। आपकी साधना मंगलमय रहे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।